बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था आज शाम तक मैं इंशाल्लाह ताला आपको रेंजर्स पर अप्लाई करने का तरीका कार कंफर्म करके बता दूंगा। तो मैंने हेल्पलाइन पर कॉल की और उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर बता दिया है और उसमें उन्होंने कहना था कहा था कि ये जो आपने एडवर्टाइजमेंट अपलोड की हुई है, जो आपको नज़र आ रही है, ये एक्चुअली हमारी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हमारी जो है वो 4 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी झंग अखबार के अंदर, तो वहाँ पर फिर आपको सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा। इसके साथ उन्होंने जो हमसे बात की है वो ये की है कि वेबसाइट जो हमने दी हुई है, ये अभी हम वेबसाइट ऑनलाइन अप्लाई नहीं करवाते होते, हम जो है सिर्फ एप्लीकेंट्स को बुलवा लेते हैं। डेट्स के ऊपर जो डेट हम मेंशन करते हैं उस डेट को एप्लीकेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं, वहाँ पर हम उनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट ले लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट कार्रवाई करवाते हैं। तो आपने वहाँ पर जाकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मज़ीद इसकी जो अपडेट है वो 4 अगस्त को आएगी, लेकिन अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन उनका नहीं होता। आप लोगों ने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स फिल कर अपने साथ अटैच करके रखने हैं, अपने साथ रखने हैं और मुतालिका डेट को आपने चले जाना है अपने सेंटर पर। सेंटर आप वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने पहले बनाई हुई है, अगर नहीं बनाई तो ऊपर आई बटन में आ रही है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वहाँ पर अपने सेंटर देखने हैं, शहर का, ज़िले का, सूबे का, और फिर वहाँ पर जाकर आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ये है जी। नंबर वन, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जानी है। हर डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद आपने 2 पिक्चर्स लेके जानी है और कोशिश करनी है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू होना चाहिए, 2 पिक्चर्स विद ब्लू बैकग्राउंड, और 2 अदद आपके पास डाक वाले लिफाफे होने चाहिए और उन लिफाफों पर आपने अपने घर का पता, अपना फ़ोन नंबर और वो पोस्ट इस पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखनी है। और याद रहे ये जो आपको मैंने लिस्ट बताई है एक पोस्ट के लिए बताई, अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो फिर आपने इन चीज़ों की लिस्ट को डबल कर देना है। इसके साथ आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि ये अपडेट मैंने हेल्पलाइन से पूछी है और वो कहते हैं कि इसमें तब्दीली भी हो सकती है। ये मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है। अब इसमें मज़ीद कोई अपडेट होती है तो वो 4 अगस्त को आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, मैं आपको 4 या 5 अगस्त को अपडेट कर दूंगा। अगर हम इसके रिटर्न टेस्ट की तैयारी की बात करें तो रिटर्न टेस्ट इसका बेसिकली जैसे आपका ASF का होता है वैसे ही होगा। तो आप उन वीडियोज़ को देख कर इसकी प्रैक्टिस जारी रखें। मज़ीद कल ईद का दिन गुजरते हैं तो परसों से मैं दोबारा आपके साथ इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट में आ जाऊँगा, तो मैं आप लोगों के लिए इसके जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी ढूंढ के ले आऊँगा और इसके जो अगर कुछ सिलेबस इससे हट कर है तो वो सिलेबस से भी आप लोगों को आगाह कर दूंगा। आपने बस हिम्मत और जज्बे से काम करना है और इसका फिज़िकल टेस्ट बहुत ही अहम होता है, तो उसके लिए आपने अपने आप को तैयार करना है। आपसे हमेशा कितना एक रिक्वेस्ट करता जाऊँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह।